हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हेल्दी पोहा। ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ये। मैं इसके लिए मैंने लिए एक कटोरी मटर, छोटी कटोरी है, दो हरी मिर्च काट के ले लिए, एक प्याज ले लिया बड़ा, थोड़े से करी पत्ता लिए है, ये राई ले ली है तड़के के लिए, और ये मैंने लिए शिमला मिर्च और पत्ता गोभी काट के ले ली है। सब्जी आप कोई भी ले सकते हो जो आप पसंद करते हो, और ये पोहा ले लिया है। तो चलिए बनाते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दी है, ऑयल डाल देंगे इसमें थोड़ा। ऑयल गरम हो गया है, सरसों के दाने डाल देंगे। करी पत्ता डाल देंगे, ये हरी मिर्च है दो, ये भी डाल देंगे। अब प्याज डाल देंगे इसमें। अब मटर डालेंगे इसमें। ये हेल्दी पोहा बना रही है, वेजिटेबल पोहा, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। और ये शिमला मिर्च और पत्ता गोभी मैंने एक साथ ही धो ली थी, तो एक साथ ही इसको मैंने काट लिया है। अब इसको भूनेंगे 4-5 मिनट तक, सब्जियां गलने तक। अभी 2-3 मिनट और पकाएंगे इसको ढक के। सब्जियां हो चुकी हैं, अब इसमें हम डाल देंगे पोहा। पोहा मैंने छन्नी में धो लिया था। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी मिर्च डाल रही हूँ, मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो। मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें। ये देखिए कितना अच्छा पोहा बन के रेडी हुआ है, और जल्दी बन जाता है। अब इसको सर्व कर लेंगे। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है पोहा, देखिए कितना अच्छा बना है। और इसमें कोई भी सब्जी आप डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, और भी जो अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं आजकल, तो कुछ भी डाल सकते हो। और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए, आप भी ब्रेकफास्ट में बनाइए, खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसको थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए।